हेलो ग्रेट सेक फॉर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एट होम एंड स्टडी वेल। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 21। पेज नंबर 21, यू कैन सी द बुक चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड में आपने कल क्या रीड किया था? विपुल की समझदारी और जो डोंगे वाले बाबा थे उनके बारे में। तो आओ आज हम उसके आगे से रीड करते हैं। यस, साधु को काटो तो खून नहीं। क्या है? साधु को काटो तो खून नहीं, योगी तो सचमुच अंतर्यामी है, सब बातें जानता है। अब क्या होगा, कहीं असलियत सबके सामने आ गई और पोल खुल गई तो क्या होगा? अब तो बुरे फंसे, कुछ तो करना होगा, साधु ने सोचा और फिर बोला। ये बातें क्या था, कौन सोच रहा था? साधु सोच रहा था कि अब क्या होगा, कि अब क्या है, मेरी तो पोल खुल जाएगी और मुझे तो कुछ करना होगा। फिर बोला, यस पेज नंबर 22, सुनिए ऋषिवर। उसने जो साधु थे उसने किससे, विपुल जो थे उन जो कि योगी के रूम में थे उनसे कहा, सुनिए ऋषिवर, आप जरा अंतपुर में चले, अंतपुर में चले, सब कुछ हमारे बीच ही रहे तो अच्छा है, आप अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी मीन्स, अंतर्यामी में क्या होता है? अंतर्यामी है अंदर की बात जाने वाले, अंदर की बात जाने वाले, अंतर्यामी मीन्स अंदर की बात जाने वाले, मीन्स हमारे हृदय के पास जाने वाले। विपुल ने तत्काल चुपके से बस्ते में हाथ डाला और टेप का स्विच दबा दिया। और विपुल ने क्या किया, विपुल ने अपने जो बैग था उसमें हाथ डाला और उसमें जो टेप रिकॉर्डर पड़ा था ना, उसमें क्या है, उसका जो है बटन दबा दिया। किस लिए? ताकि क्या है, उस साधु जो ढोंगी वाले साधु बाबा हैं उनकी जो है असलियत सब उस रिकॉर्डर में हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए, संवाद रिकॉर्ड होने लगे। अब आपसे क्या छुपाना, मैं डाकू क्रूर सिंह हूँ, पुलिस से बचता बचाता एक दिन यहाँ भक्त के बीच बैठकर प्रवचन सुन रहा था, काफी मान सम्मान था, पीपल वाले बाबा का खूब चढ़ावा आता था, अन्न वस्त्र दक्षिणा सम्मान सभी कुछ। मेरे मन में विचार आया कि क्यों न समय इनके जैसे जैसा वेश बनाया जाए और समय सत्संग किया जाए। उनके मन में क्या था कि मैं भी क्या है, जो पीपल वाले बाबा हैं उनकी तरह क्या है, एक साधु बन जाऊं, जबकि वो थे और एक डाकू थे। और उनके मन में क्या आ गया कि मैं एक साधु वाले बाबा बन जाऊं और मेरे पास भी क्या आएगी, दान दक्षिणा वस्त्र और क्या है, अन्न सब कुछ फ्री में मेरे को मिल जाएगा। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना समय इन जैसा वेश बनाया जाए और समय सत्संग किया जाए, और क्या है कि मैं भी इनके जैसा वेश बना लूँ, मीन्स उनके जैसे वस्त्र धारण कर लूँ, तिलक लगा लूँ माथे के ऊपर और क्या है, सत्संग करना शुरू कर दूँ। एक दिन मैंने मौका पाकर पीपल वाले बाबा से काम तमाम, और पीपल वाले बाबा का उसने क्या कर दिया, काम तमाम कर दिया और उन्हें गठरी में बांधकर जमींदार के बगीचे के पीछे की खाई में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। कहाँ गड्ढा खोदा था, कि एक जो जमींदार का बगीचा था उसके पीछे की खाई में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। आगे देखें, विपुल ने आगे की बात कही, ढोंगी साधु तत्काल योगी के चरणों में गिर पड़ा। जो ढोंगी वाले बाबा थे वो क्या थे, विपुल के चरणों में गिर पड़ा। आप तो सचमुच अंतर्यामी है, अंतर्यामी में सभी क्या बताया, जो हृदय की बात को समझे, क्या है, आप तो सचमुच अंतर्यामी है, महात्मा मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा मीन्स मेरे को माफी दीजिए, लोग मुझे वही बाबा समझकर मान सम्मान देते हैं, मीन्स मुझे पीपल वाले बाबा समझकर मेरा मान सम्मान करते हैं, सच का सामना न मैं कर पाऊंगा न और न ही मेरे भक्त। क्या है कि सच का सामना, अब मेरी तो पोल खुल चुकी है तो मैं क्या है, अब सच का सामना नहीं कर पाऊंगा, और अगर ये बात लोगों के बीच में गई तो लोग भी क्या है मेरे को मेरे से बहुत घृणा करेंगे और हो सकता है कि मेरे को मारपीट भी करें। आगे देखो,
डोंगी साधु तत्काल योगी के चरणों में गिर पड़ा, आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं, महात्मन मुझे क्षमा करें, लोग मुझे वेटी बाबा समझकर मान सम्मान देते हैं, सच का सामना मैं कर पाऊंगा और ना ही मेरे भक्त, आपको जो कुछ चाहिए, जितनी दक्षिणा चाहिए मैं आपके चरणों में भेंट कर दूंगा। वो क्या है, विपुल को क्या है, लालच दे रहे थे कि आपको जो कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मैं आपको वो क्या है आपके चरणों में भेंट कर दूंगा, चरणों में आपके पैरों में। ओके, हम केवल भक्ति के भूखे हैं। अलख निरंजन कहते हुए चिमटा करताल बजाते हुए योगी आश्रम से बाहर निकलकर गांव में ओझल हो गए, मीन्स गांव के अंदर जाकर वो चले गए। साधु बने डाके कपूर सिंह हैं कि नींद हराम हो गई। अब उसको तो क्या हो गई, क्योंकि उसके बोल क्या है, विपुल ने बोल दी थी और उसकी क्या थी, नींद हराम हो गई, मीन्स उसको चैन नहीं आ रहा था, अंदर ही अंदर उसको क्या था, डर बैठ गया था कि कहीं मेरी ये बोल लोगों के सामने ना आ जाए। वह रात भर सो नहीं सका, कहीं योगी महाराज रूठ कर तो नहीं चले गए, चाहे रूठ जाए किंतु बोल न खोले तो ही अच्छा है। उसको मन में क्या घबराहट हो रही थी कि कहीं योगी जो योगी बाबा मीन जो विपुल थे वो कहीं नाराज तो नहीं हो गए और क्या है लोगों के सामने कहीं मेरी बोल न खोल दे। दूसरे दिन प्रवचन प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही भक्तों से खचाखच भरे पंडाल में विपुल टेप रिकॉर्डर लिए हुए आया और बोला, हाँ तो धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं बहनों, महात्मा जी दया होकर प्रवचन से हमारे इस जीवन को धन्य करने के लिए पधारे। उसके पूर्व मैं उनके ही सत्संग के कुछ अंश जो इस टेप रिकॉर्डर में है आपको सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है, विपुल ने जब उनके आश्रम में गए थे तो उनकी जो सारी बातें थी वो क्या थी, टेप रिकॉर्डर में उन्होंने क्या कर ली थी, भर ली थी। तो वो क्या थे, वो अब उनको लोगों के सामने उनकी क्या है असलियत को लाना चाहते थे। यस नाउ, कहते हुए विपुल ने टेप रिकॉर्डर बजाना शुरू कर दिया। सारे संवाद सुनकर सभी भक्त हतभंब रह गए, मीन्स हैरान रह गए कि ये क्या है। सभी आश्चर्य से आंखें फाड़े एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पूरा कैसे सुनते ही सभी क्रोध से उबल पड़े, मीन तो उनको इतना गुस्सा आ गया था उस बाबा के ऊपर, क्या है उनको बहुत मतलब वो क्रोध से लाल हो चुके थे। साधु नहीं शैतान है ये, वो क्या कहने लगे कि ये साधु नहीं ये तो शैतान है, मीन्स राक्षस है, ये इसे सजा मिलनी ही चाहिए। कहते हुए सभी लाठियां लेकर आश्रम के अंदर पहुंचे, किंतु तभी वह डोंगी साधु सारा माल समेटकर पीछे से निकल भागा। सभी गांव वालों ने मिलकर उसका दूर तक पीछा किया और अंत में उसे रंगे हाथों पकड़कर उसकी खूब मरम्मत की, पुलिस उसे पुलिस के हवाले कर दिया। डाकू क्रूर सिंह आज पुलिस के हाथ लगा था। सारे गांव वालों ने मिलकर विपुल को बधाइयां दी और सम्मानित किया। सचमुच विपुल अपनी योजना से आज सभी की आंखें खोल दी। विपुल ने लोगों से कहा, श्रद्धा रखो किंतु अंधश्रद्धा नहीं, मीन्स विश्वास रखो, ठीक है, अंधविश्वास मत रखो, अंधश्रद्धा मीन अंधविश्वास मत रखो, ताकि फिर पछताना ना पड़े। सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही किसी के प्रति आस्था विश्वास व्यक्त करो। विपुल की बातें सुनकर सभी की आंखें खुल गई। डाकू क्रूर सिंह की गिरफ्तारी पर सरकार द्वारा घोषित 10,000 रुपये का पुरस्कार मीन्स इनाम दिया गया विपुल को देने की घोषणा हुई। तो विपुल ने कहा, इन रुपयों से मैं गांव में विद्यालय खोलने की घोषणा करता हूँ, ताकि कोई बच्चा बड़ा होकर अंधश्रद्धा का शिकार ना हो, मीन्स अंधविश्वासी का शिकार ना हो, शिक्षित होकर अपना विवेक जागृत कर सके। विपुल की माँ की आंखों में खुशी के आंसू छल छला आए, मीन्स आंखों में आंसू आ गए, उनको इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे छोटे से बेटे ने इतना बड़ा काम कर लिया, हमारे तो इसने आंखें नहीं खोल दी, जबकि हमें इसे समझाना चाहिए, इसने क्या है हमारी आंखें खोल दी। पिताजी ने विपुल को गले लगाकर अवरुद्ध कंठ से बस इतना ही कहा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटे। क्या है, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटे। तो क्या है,
कि आप छोटा या बड़ा भाग देखो, सब में क्या है, एकता की भावना होनी चाहिए और क्या है, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो क्या है इसकी कुछ एक्टिविटी है, वही से